यहाँ पे हम लोग आ गए थे हॉर्स राइडिंग एरिया में, बच्चों को यहाँ पे बैठना था लेकिन काफ़ी रश था तो हम लोग फिर आगे चले गए। और यूएई में इन्होंने हर जगह माशाल्लाह से खोल दी है बच्चों के लिए भी फन एरियाज़ वगैरह भी, लेकिन यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए होल्डर्स वगैरह हर जगह इन्होंने लगाए होते हैं, तो हैंड सैनिटाइज़ करके हम इस वायरस से महफूज रह सकते हैं। और वैसे भी हर जगह जहाँ पे भी जाएँ हम तो सैनिटाइज़ करते रहें हाथ, तो ये कि घूमना फिरना तो होता रहता है लेकिन अपने आप को महफूज रखना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कि बच्चों को हम हैंड सैनिटाइज़ करवाते रहे थे, और ज़्यादा तो हर चीज़ को टच करती है, हर जगह लेट जाती है बैठ जाती है, तो उसका ज़्यादा ख्याल रख रहे थे हम लोग। यहाँ पे अरहम मुझे हर एनिमल्स के बारे में बता रहा था, उसको माशाल्लाह से एनिमल्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब में ये देखता रहता है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एनिमल के बारे में, तो हर एनिमल के बारे में इसको पहले से ही पता था। और काफ़ी इसने यहाँ पे आके जो बोर्ड्स लगे होते हैं एनिमल्स के केज के बाहर, तो वहाँ से भी काफ़ी इसने पढ़ा और इसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, और ये हम लोगों को भी बता रहा था कि मम्मा ये ऐसा है वैसा है। तो बहुत खुशी होती है कि बच्चे ख़ुद से सीखते हैं, अब माशाल्लाह बड़ा भी हो गया है तो अमल भी इसके साथ ही होती है और सारी चीज़ें अमल को भी बता रहा होता है, कुछ बातें अमल को समझ भी नहीं आती बिल्कुल लेकिन फिर भी वो सुन रही होती है। ये इंसानों को खाते हैं जो मरे हुए, मरे हुए खाते, गिद्ध मरे हुए लोग खाते हैं। एक कोई रिलीजन है उसमें मरने के बाद इनके सामने छोड़ देते हैं। Thank you.
पाइथन स्नेक है रेड टेल बोआ स्नेक नीचे नीचे स्नेक अना कोंडा नहीं है अम्मा ये स्नेक है नहीं अमल इसको खाना है कहाँ है वो कैमरे में देखे माँ बाप उधर जाए चूहे जैसे हैं बड़े से लॉयन है तेरे लॉयन कैसे करते हैं बिल्ली लग रहा है ना काली बिल्ली कैसे चल रहे मसल से नहीं 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 ये वो तो ना
और यहाँ पे हम लोग वाइल्ड एनिमल्स के एरिया में आ गए थे और यहाँ पे ज़ारा ने बहुत रोना शुरू कर दिया था क्योंकि वो थक चुकी थी बहुत सुबह से घूमते घूमते। शुरू में तो उसने बहुत इन्जॉय किया और लास्ट में आके वो बहुत ही डर भी गई थी एनिमल्स वगैरह से और फिर उसने रोना धोना शुरू कर दिया था। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से जो बाकी एनिमल्स रह गए थे वो देखे और इसके अलावा एक और पार्ट भी था इस ज़ू का जिसमें क्रोकोडाइल्स और क्या कहते हैं ये टर्टल्स वगैरह थे, तो वो एरिया हम लोग गए नहीं। और यहाँ पे हाथियों को हम खिला भी सकते थे, ग्रास वगैरह फीड करवा सकते थे एलिफेंट्स को, लेकिन ज़ारा ने इतना तंग करना शुरू कर दिया था कि वो थक गई थी, छोटी है, काफ़ी घूम घूम के 2 से 3 घंटे हो गए थे हम लोगों को यहाँ पे घूमते घूमते, और लेकिन ज़ारा बहुत थक गई थी इसलिए फिर हम लोगों ने फीड वगैरह नहीं करवाया एलिफेंट्स को। और इससे आगे हमने फिर क्रोकोडाइल और टर्टल्स वगैरह का एरिया भी स्किप कर दिया। अरहम अमल का बहुत दिल था वहाँ पे जाने का लेकिन फिर ज़ारा ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया था, रोना शुरू कर दिया था, तो हम लोगों ने फिर बस यही वाइल्ड एनिमल्स देखे। और सबको भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि 2 से 3 घंटे हो गए थे घूमते घूमते, तो सबको भूख भी लगना शुरू हो गई थी। तो बस ये वाइल्ड एनिमल्स देख के हम लोग फिर बाहर निकल गए थे, लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए थे ज़ू में, 3 ईयर ऑलमोस्ट हो गए थे हम लोगों ने, लेकिन इससे पहले हम लोग काफ़ी दफ़ा जाते थे अरहम अमल को लेके ना, तो इन लोगों का दिल भर चुका था, तो उसके बाद हम लोगों ने जाना ही छोड़ दिया था ज़ू में। तो अब काफ़ी टाइम बाद आए तो ये लोग ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत खुश हो रहे थे और ज़ारा के रिएक्शन देख के तो और ज़्यादा इन्जॉय किया सब ने, तो ये कि बहुत मज़ा आया इस दफ़ा ज़ू में आने के बाद। पे वाइल्ड एनिमल्स का एरिया ख़त्म हुआ और ये टनल ख़त्म हुआ और हम लोगों ने बाहर एग्ज़िट कर लिया था। तो एग्ज़िट पहले तो सेम जगह से होता था जब पहले हम जाते थे, अब जो 3 ईयर्स के बाद हम आए तो एग्ज़िट और एंट्री के रास्ते इन्होंने डिफरेंट कर दिए, तो ये कि हम लोग पता ही नहीं चला हम लोग कब एग्ज़िट हो गए। तो यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पर अरहम को कैमल नज़र आ गया कैमल राइडिंग के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत रश था और ज़ारा ने खूब अच्छे से तंग करना शुरू किया हुआ था, तो हम लोग बस जल्दी से लीव कर लिया। सबको भूख भी लग रही थी और मुझे ग्रॉसरी भी करनी थी, तो यहाँ से करीब डियरफील्ड मॉल था तो हम लोग वहाँ चले गए थे। पहले हमने अपना डिनर किया था, डिनर करने के बाद फिर हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए थे केयरफोर में। तो ये कि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा जुम्मे का और बच्चों ने बहुत खूब इन्जॉय किया था और आप लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया होगा हमारे साथ मिल के। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं डियरफील्ड मॉल क्योंकि बच्चों को खूब शदीद किस्म की भूख लगी है, तो सबसे पहले हम लोग अभी अपना डिनर करेंगे, उसके बाद मैंने ग्रॉसरी करनी है थोड़ी सी वो करूँगी इंशाल्लाह, फिर घर चले जाएँगे।
यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फूड कोर्ट में और अमल को यहाँ पे भी फन सिटी नज़र आ गया है, फैबीलैंड। तो अमल को यहाँ पे जाना था, तो बच्चे तो बिल्कुल थकते ही नहीं है इतना घूम घूम के वहाँ पे ज़ू में भी, और यहाँ पे आके अब अमल को इधर जाना था। तो हम लोगों ने कहा पहले खाना खा लो, उसके बाद थोड़ी सी ताकत आ जाएगी तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना डिनर इन्जॉय कर रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने ग्रॉसरी भी करनी है, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही अभी ग्रॉसरी में जाने की। लेकिन बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी थी कि उनको अब फन सिटी भी जाना था। तो बस यहाँ पे हम लोग अपना डिनर एंजॉय करेंगे, और उसके बाद ही हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी यहाँ से संडे, और हस्बैंड ने अपने लिए चाय ली थी। और खाना खाने और आइसक्रीम खाने के बाद खूब एनर्जी आ गई थी और हमने ग्रॉसरी की, उसके बाद हम घर चले गए थे। तो बस ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।